बुलढाना गई थी फर्स्ट टाइम जब वहाँ पर गई मैं, तो मुझे वहाँ का जो भी एक्सपीरियंसेस हुए वहाँ पर, वहाँ की कुछ वाइब्रेशंस लाइक यू नो इट्स पॉजिटिव, क्वाइट पॉजिटिव, एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक यू नो कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ पब्लिक के सामने आना चाहिए, क्योंकि वहाँ मैंने देखा लोगों को इलाज होते हुए, तरह तरह के अमीर गरीब हर तरह के लोग थे, कोई पैर से नहीं चल रहा, किसी के ऊपर जादू टोना है, किसी के ऊपर भूत प्रेत है, तो मैंने देखा, मैंने कहा मतलब बहुत पॉजिटिव वहाँ की वाइब्रेशंस हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं वहाँ पर आसपास, तो मुझे लगा मुझे इसको इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। मुन्ना जी, आजकल औरत से जुड़ी जो समस्या होती है या औरत के विषय में काफ़ी सारी फिल्में पैटर्न आ रही है, आपको एक औरत क्या कहना चाहिए कि आगे चल के कुछ ऐसी फिल्म बनाना चाहेंगे जिसमें दिखाया गया कि औरत को क्या फेस करना पड़ता है सोसाइटी में? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, वैसे कॉमेडी है बट उसके साथ में हम लोग दूसरे वुमेंस प्रोजेक्ट भी लेकर आने वाले हैं। डेफिनेटली एक हमारे इसमें जिसने उन्होंने वेंटिस्ट का रोल किया हुआ है, नेगेटिव कैरेक्टर किया हुआ है, हिया सिंह जी, उन्होंने काफ़ी फिल्में की हुई है। उसके अलावा बबलू शाह करके हैं, वो भी काफ़ी फिल्मों में आ चुके हैं एंड सीरियल्स वगैरह भी काफ़ी कर चुके हैं। बाकी सब जो है वो एग्जैक्टली न्यू फेस नहीं है, इट्स सेमी न्यू फेसेस, काफ़ी कुछ कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। हाँ, राधा कोहिनूर ने अभी कबड्डी में रोल किया है, राधा कोहिनूर जो हमारी लीड कर रही है, उसकी अभी फिल्म कबड्डी करके रिलीज हुई, तो कहीं ना कहीं कहीं से कहीं जुड़े हुए हैं।